हेलो स्टूडेंट्स, बायनोमियल एक्सपांशन में आज नंबर के सम कैसे एक्सपांड करेंगे वो देखते हैं। कोई भी नंबर दिया गया हो, ऑड नंबर, तो बायनोमियल एक्सपांशन की हेल्प से उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, इवेल्यूएट 9.9 raised to 5th power। 9.9 का मतलब, तो पहले इसको जो है हम टेंस में, हंड्रेड्स में, ऐसे नंबर को यहाँ थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 9.9 मीन्स 10 में से 0.1 माइनस कर देंगे उसकी 5 power। फिर स्टार्ट करेंगे हम 5C0 से 5C0 10 raised to 5 माइनस 5C1 10 raised to 4 0.1 प्लस 5C2 10 raised to 3 0.1 raised to 2 माइनस 5C3 10 raised to 2 इंटू 0.1 raised to 3। फिर आ जाएंगे 5C4 10 0.1 raised to 4 माइनस 5C5 0.1 raised to 5 power। कोएफिशिएंट डालेंगे तो 1, 10 की 5 पावर मीन्स 100000 माइनस 5 1000 एंड 0.1। फिर 5C2 मीन्स 10, 10 raised to 3 मीन्स 1000, ये हो जाएगा 0.01। फिर 10, 100, 0.001, 5, 10, 0.0001 माइनस, ये हो जाएगा 1 एंड 0.00001। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 lakh, ये बचेगा इधर 5, इसका 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बचेगा 1000 और इधर बचेगा 1। इसमें पॉइंट के बाद 2 digit हैं तो यहाँ से 2 0 उड़ा देंगे तो 10 and 10। इधर 3 0 है, पॉइंट के बाद 3 digit है तो इधर बचेगा, तीनों 0 उड़ जाएंगे 1। इधर आएंगे तो 5 बचेगा, 10 उड़ेगा तो पॉइंट इधर चली जाएगी मीन्स 0.001। और लास्ट में आएगा 0.00001। तो ये हो जाएगा 1 lakh माइनस 5000 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 0.005 माइनस 0.00001। अभी क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले अलग कर देते हैं। ये 1 lakh, उसमें 100 ऐड करूं और 0.005 ऐड करूं, और इधर नेगेटिव वाले लूं तो 5000 और 1 एंड 0.12345। इसका एडिशन करूं तो 0.005, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। फिर इसका ऐड करूं तो 1, ये 0.05.1234। अभी माइनस कर दूं तो मैं 1001 0.005, उसमें से पॉइंट रख दो इधर 1005 1005, और इसके बाद है 0001, तो इधर 2 0 लगा दूं। सिंपल, 500 में से 1 जाएगा तो 499,
जीरो जीरो रख दूं, ठीक है। फिर हंड्रेड है, हंड्रेड में से वन गया तो 99 इधर बचेगा जीरो, और हंड्रेड में से फाइव गया तो 95। तो इस तरह से आपका ये आंसर मिल जाएगा 95099.00499। सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको, 9.9 है, 9.9 मीन्स क्या करेंगे हम, 10 में से 0.1 माइनस उसकी फिफ्थ पावर कर देंगे। फिर जैसे एक्सपांड करते हैं, 5 से 0 से स्टार्ट किया 10 की 5 माइनस 5 से 1 10 की 4 0.1, इस तरह से लास्ट तक लेके गए। कोएफिशिएंट लगा दिए 10 की 5 पावर, मीन्स 5 0 लगा दो, 4 0 लगा दो, 4 पावर है तो 0.1 की स्क्वायर, तो पॉइंट के बाद जो है दो डिजिट आने चाहिए, फिर इधर पॉइंट के बाद तीन डिजिट होने चाहिए। इसके बाद फिर सिंप्लीफाई करके फाइनल जो पॉजिटिव वाले है वो अलग लेंगे और नेगेटिव वाले जो है वो अलग लेंगे, और सिस्टमेटिकली इन सब का एडिशन किया और इन सब का, फिर फाइनली इसमें से ये फिगर माइनस कर देंगे, तो इसके एक्सपेंशन का हमको आंसर मिल जाएगा।